अक्सर लोग हर छोटे बड़े सवाल के लिए अब गूगल की मदद लेने लगे हैं। कई अपने खुराफात के चलते अजीबोगरीब सवाल भी गूगल से पूछ लेते हैं। इन दिनों गूगल के सर्च बार में सबसे खराब भाषा लिखे जाने पर उत्तर में मिले जवाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल जब गूगल पर सबसे खराब भाषा लिखकर सर्च किया जाता है तो जवाब में गूगल कन्नड़ बताता है। इसे लेकर अब कर्नाटक में आक्रोश पैदा हो गया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी करने की बात कही है। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने भी गूगल के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कंपनी की निंदा की है। इस बीच गूगल ने लोगों के गुस्से को देखते हुए भारत में सबसे भद्दी भाषा पूछे जाने पर अपने सर्च इंजन पर आने वाले जवाब से कन्नड़ को हटा लिया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लिखित में लोगों से माफी भी मांग ली है। लेकिन गूगल ने इस मामले पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि सर्च परिणाम में आने वाला जवाब कंपनी की निजी राय नहीं होती। कंपनी ने आगे कहा कि हम गलतफहमी और किसी भी भावना को आहत करने के लिए क्षमा चाहते हैं। उधर कर्नाटक सरकार ने गूगल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक के कन्नड़ संस्कृति और वन मंत्री अरविंद लिम्बावली ने कहा है कि संबंधित विभाग को गूगल को नोटिस देने का निर्देश दे दिया है। इस मामले पर गूगल के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि गूगल सर्च पर आने वाला जवाब हमेशा पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता। कई बार पूछे गए सवालों के आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ सकते हैं। हमें पता है ये आदर्श नहीं है, लेकिन जब हमें किसी मुद्दे से अवगत कराया जाता है तो हम तुरंत उसके सुधार के लिए उचित कदम उठाते हैं। स्वाभाविक रूप से इसमें गूगल की अपनी राय नहीं होती। कन्नड़ भाषा को लेकर हुई गलतफहमी के लिए और लोगों की भावनाओं को आहत के लिए हम खेद जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।